आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कल मेरे से किसी ने पूछा कि मौन कैसे रखा जाएगा, हम शिवरात्रि के दिन मौन रखना चाहते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि मौन रखने के लिए तो शास्त्रों ने बहुत अच्छे ढंग से खुलासा कर रखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने कर रखा है और करते भी जा रहे हैं। वैसे तो आपको पढ़ लेना चाहिए, वो चीज़ सुन लेनी चाहिए। बोले नहीं जी, हम तो बहुत ज़्यादा तो क्या कहूँ। तो उन्होंने अपने देसी भाषा में जो कहा, हम तो बस ठीक है जी, अपना धर्म का काम हो जाए, शिवरात्रि है क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो हवन करने के बाद मेरे मन में एक ही विचार उठा, सरल सा तरीका मौन का क्या है। अगर मैं पूरा निचोड़ एक कुछ शब्दों में अगर आपको बताऊं, मौन व्यक्ति तीन तरह से रखता है जिनको रखना होता है। एक तो मेरे परिचय में है, मेरे रिश्तेदारी में भी है, जो कि केवल शाम के समय घर आने के बाद नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। बस सबको मालूम है, चुपचाप जैसे घर आएंगे, एंट्री करेंगे, चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जाएंगे और अपना जो भी कुछ करना है, भोजन हल्का फुल्का लेते हैं वो, और जो भी कुछ करना है अपना, चुपचाप मौन में। दूसरा मौन होता है जिसमें आपने कोई एक दिन का मौन पकड़ लिया, जैसे अब शिवरात्रि के दिन इनको करना था, शिवरात्रि पकड़ लिए, कोई त्योहार पकड़ लिया, किसी भी दिन के लिए, मैं तो संडे नहीं बोलूंगा, कोई दिन पकड़ लिया। ये दोनों तरह के मौन मौन ही कहलाएंगे, लेकिन इसको और अधिक प्रभावशाली बनाना है, और अधिक शक्तिशाली बनाना है, और इसका अच्छा लाभ लेना है, तो इसके लिए शास्त्र कुछ नियम बताता है। वो नियम ये है कि जिस समय आप मौन रख रहे हैं, फिर ध्यान देना, यहाँ पर ये मौन वो वाला मौन है जिसमें आप घर के अंदर ही हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप चलिए किसी तीर्थ स्थान पर, किसी भी एकांतवास पे हैं, अब ये समझ लीजिए घर में है, बाहर कहीं पे भी है, आप मौन रख रहे हैं, तो उस समय मौन में आपका चिंतन मनन सांसारिक नहीं होना चाहिए। पारिवारिक संसार कुंबा अपने काम काज को लेकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको संसारिक बोलते हैं। इसी प्रकार से कोई गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी आदि कोई भी आपको यूज नहीं करना, प्रयोग नहीं करना, ये आप नोट कर लीजिए। अपवाद स्वरूप बहुत अत्यधिक इमरजेंसी आ जाए भी, अब तो गले तक ही पानी आ गया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल वे में बता रहा हूँ आपको कि नहीं रखना। आपको कहते किसी गैजेट्स वगैरह आदि यूज नहीं करने, किसी बात नहीं करना। घर में यदि आप मौन रख रहे हैं तो बच्चों को, परिवार को, सबको बोल दो कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं। वो लोग अगर टीवी देखते हैं उनके लिए मना नहीं, लेकिन धीमी आवाज़ में, ताकि वहाँ तक ज़्यादा आवाज़ नहीं जाए, और मतलब हर तरह से। इसी प्रकार से मौन रखने का अर्थ एक ये भी होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी बता देता हूँ, तो भी केवल धर्म की पढ़ेंगे या कोई पॉजिटिव किताब पढ़ेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। चिंतन मनन केवल प्रभु का ही होगा, पठन मनन भी केवल क्या कहते हैं पॉजिटिव और धर्म की किताबों का होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए। सिवाय मल मूत्र के करने के लिए कमरे से बाहर निकलें, या जहाँ भी आप एकांतवास करें उससे बाहर निकलें, अगर अंदर है तो अच्छी बात है, मतलब आजकल तो ज़्यादातर अंदर ही होते हैं। उसके अलावा कोई भी आए बस ठीक है, एक सिस्टम है। ये भी नहीं कि जो मन में आप बार 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 कोई बात लिख लिख के दे रहे हैं, लिख लिख के नहीं, वो तो चिंतन मनन तो फिर वही हो गया, कुछ नहीं। पहले से ही समझा दो मैं मौन रख रहा हूँ, और मेरे को टाइम पे जो मेरा भोजन है, पानी है, जो भी आप फलाहार लेते हैं वो मेरा टाइम टू टाइम आना चाहिए। आप अपनी व्यवस्था पूरी कर लीजिए अंदर अपने कमरे के अंदर, वहाँ से फिर आप बाहर नहीं निकलेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। तब तो मौन रहेगा सही ढंग से। ऐसा भी नहीं कि आप किसी रिश्तेदार से, किसी परिवार वाले से, किसी यार दोस्त को मिलने, उससे मिलेंगे चुप चुप होकर मिलेंगे, नहीं। इस तरह से पूरी तरह इसको सात्विक मौन बोलते हैं, जहाँ पे आपका कोई भी भारी हस्तक्षेप नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, बात नहीं है, कोई गैजेट्स का यूज़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई सांसारिक चिंतन मनन नहीं है, बस। तब इसका आप चमत्कार देखिए कि आपके शरीर के अंदर, आपके चेहरे के अंदर एक तेज आएगा, एक कांति पैदा होगी, आपको मन तन मन को सबलता धैर्यता प्राप्त होगी। इसका लाभ तन मन पे बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत पॉजिटिव पड़ता है, इस बात पे करके इसको मौन बोला जाता है, शास्त्र इसकी ही आज्ञा देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जब भी मौन करेंगे, चाहे 2 घंटे करें, 1 घंटे करें, चाहे 1 दिन का करें, चाहे 10 दिन का करें,
विधि यही अपनाएंगे। इसके साथ नमस्कार, मंगलवार।